एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी ये रूट्स ऑफ इंग्लिश की वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। तो देखिए, इसका एक रीज़न है, क्योंकि इस वक्त मैं अपने काम पर नहीं हूँ। ये मेरी सारी वीडियोस पहले से मैंने शेड्यूल पे लगा कर गया था जो अपलोड हो रही हैं। मेन चीज़ रीज़न ये है कि क्योंकि मेरे कज़िन की शादी है, उसकी गोद भराई है, मेरी बहन है उसकी गोद भराई है, इस वजह से मैं वहाँ बिज़ी रहूँगा 2 से 3 दिन। इसलिए ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, और हो सकता है कि मैं इस वजह से आपके आंसर ज़्यादा ना दे पाऊँ, तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा। मंडे से मैं आपके कंटिन्यूसली आंसर सारे दूंगा, और साथ ही मेरी सारी और भी सब्जेक्ट की मेरी क्लास चलेंगी। तो इसलिए मैं इनको लगा कर गया हूँ पहले से, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी से कुछ करके मैं लगा दूँ, जिससे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे आप, आई होप। तो आज ये हमारा पार्ट 8 है केस 1 का। तो कंसीडर देखिए, इसमें हम करेंगे फिर से 2 केस, और उसमें 2 वर्ड होंगे हमारे रूट वर्ड, उनसे बनने वाले कई सारे वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। पहला जो हमारा वर्ड है वो है एनिम। ठीक है, एनिम हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है माइंड, लाइफ, स्पिरिट या फिर एंगर। देखिए यहाँ पर एक माइंड, लाइफ हमारी मतलब एक जो बेसिक हमारी फीलिंग्स होती है उससे जुड़ा हुआ है, कि हमारा दिमाग, हमारी ज़िंदगी, हमारी स्पिरिट, हमारा हौसला या फिर हमारा गुस्सा, इमोशंस की बात हो रही है एनिमेशन में। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं एनिमल मीन्स ऑल लिविंग बींग एक्सेप्ट ह्यूमन। देखिए एनिमल्स होता है आपका सारी लिविंग बींग्स सिर्फ एक ह्यूमन को छोड़ के। एनिमेट, देखिए एनिमेट का मतलब होता है गिव। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट यूजिंग एनिमेशन टेक्निक्स। देखिए उसका कहने का मतलब एनिमेट मतलब एक कैरेक्टर को कुछ मूवमेंट के थ्रू कोई लाइफ देना, उसे एक जीवित इंसान की तरह दिखाना, वो आपका एनिमेट कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल। ठीक है, एनिमोसिटी मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग हॉस्टाइल। ठीक है, एनिमा मतलब होता है सोल और इनर सेल्फ और फिर पर्सन। देखिए एनिमा का मतलब होता है एक अंतरात्मा, इंसान की अंतरात्मा को हम एनिमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमल डाइवर एनिमेड वर्जन। ठीक है, एनिमेड वर्जन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेंसर एंड डिसअप्रूवल। ठीक है, देखिए एनिमेड वर्जन मतलब किसी इंसान का बहुत ही मतलब बुरा भला किसी को कहना, उसको हम उसकी बात ना मानना, हमारा एनिमेड वर्जन कहलाता है। ठीक है, अब एनिमेट वर्शिप, देखिए एनिमेट वर्शिप क्या कहलाता है आपका, एनिमेट वर्शिप कहलाता है या एनिमेट वर्शिप आपका कहेंगे हम बींग क्रिटिकल सेंसरिंग और मेकिंग ए सेंसरियस कमेंट। ठीक है, देखिए बींग क्रिटिकल मतलब कोई चीज़ खतरे में हो, ठीक है, या फिर हम उस चीज़ के ऊपर, हम किसी के ऊपर बहुत ही घटिया या खतरनाक कमेंट करें, वो आपका एनिमेट वर्शिप कहलाता है। ठीक है, गुस्से से हम कुछ कहें किसी के बारे में, ठीक है, वो आपका एनिमेट वर्शिप कहलाता है। एनिमलिज्म, एनिमलिज्म आपका कहते हैं ए प्री ऑक्यूपेशन विद फिजिकल रादर देन स्पिरिचुअल नीड्स। ठीक है, एनिमलिज्म आपका कहते हैं जिसको यार पहले से ही बताओ कि हाँ यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, जबकि उसे रियल में उस चीज़ की जरूरत है नहीं, उसकी फिजिकल नीड नहीं है, फिर भी उसे वो चाहिए। ठीक है, वो होता है एनिमलिज्म। फिर नेक्स्ट है आपका एनिमलिस्ट। देखिए एनिमलिस्ट का मतलब होता है ए बिलीवर इन और ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन फिजिकल रादर देन स्पिरिचुअल नीड्स। ठीक है, एनिमलिस्ट मतलब ऐसा कोई इंसान जो अपनी स्पिरिचुअल मतलब अंधविश्वास को छोड़कर अपनी फिजिकल नीड पे ज़्यादा ध्यान दे, वो आपका एनिमलिस्ट कहलाता है। ठीक है, केस सेकंड है आपका एम्बल। देखिए एम्बल मतलब AMBUL एम्बल, जिसका मतलब होता है वॉक। ठीक है, एम्बल मतलब वॉक, चलना। ठीक है, एम्बल मतलब चलना। अब इससे बनने वाले कई सारे वर्ड होंगे। पहला वर्ड है एम्बुलेटरी। ठीक है, एम्बुलेटरी मतलब रिलेटिंग टू और एडप्टिंग फॉर वॉकिंग। ठीक है, एम्बुलेटरी मतलब किसी चलती हुई चीज़ से जुड़ा हुआ या फिर कोई चीज़ को चलती हुई चीज़ को अडेप्ट करना। ठीक है, एम्बल मतलब वॉक और मूव एट ए स्लो और रिलैक्स पेस। ठीक है, एम्बल मतलब बहुत ही आराम से धीरे धीरे रिलैक्स तरह से चलना। एम्बुलेंस मतलब होता है ए व्हीकल एक्यूपाइड फॉर टेकिंग सिक और इंजर्ड पीपल टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल स्पेशली इन इमरजेंसी। देखिए एम्बुलेंस होती है ऐसी कोई गाड़ी जो एक सिक पर्सन को लेकर जा रही हो, चल रही हो, और वो बहुत इमरजेंसी का काम हो। एम्बुलेंस मतलब होता है अ रेफरेंस टू मूविंग और वॉकिंग अराउंड। ठीक है, एम्बुलेंट मतलब किसी चीज़ के चारों ओर घूमना। ठीक है, जैसे हम लड़कियों के चारों ओर घूमते हैं वॉकिंग अराउंड, तो वो हम एम्बुलेंट करते हैं। एम्बुलेटरियल, एम्बुलेटरियल मतलब होता है बीइंग एक्यूपाइड और फिट टू वॉक। ठीक है, एम्बुलेटरी मतलब किसी चीज़ को भर देना या फिर एकदम किसी चीज़ में एकदम पूरी तरह से फिट हो जाना। ठीक है, फिट टू वॉक। एम्बुलेटिव मतलब
डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर वॉकिंग और फॉर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो चलने को डिस्क्राइब करे या फिर वो ये कहे कि हाँ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, एम्बुलेटिव, ठीक है। ये थे आपके सारे वर्ड। तो देखिए यहाँ पर ही आपकी वीडियो ख़त्म होती है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और कुछ अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।